हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक अच्छा जीवन जीने का सही तरीका क्या है? नंबर वन, खुद की तुलना दूसरों से ना करें। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपने लिए स्पेशल होते हैं। सभी में कोई ना कोई खूबी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सबके पास एक जैसी खूबी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। सिर्फ ज़रूरत होती है उन्हें पहचानने की, फिर जीवन में खुशियों ही खुशियां होती है। नंबर दो, हमेशा कोशिश करें कुछ हटकर करने की। हमारा कहने का मतलब है कि आप जो भी नया करना चाहते हैं उसे बेहतर तकनीकों के साथ करें और बेहतर उपायों के साथ करें, जिससे आपका काम लोगों को पसंद आए। इसके अलावा उनके लिए भी और आसान साबित हो सके, जो दुनिया को कुछ नया और आसान तरीके से देता है उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि संसार के सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी खुद की तुलना दूसरों से ना करें। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। नंबर तीन, अपनी सोच सही रखें। जो इंसान जैसी सोच रखता है उसके साथ वही होता है। गलत सोच रखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए हमेशा कोशिश करो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। हमारी सोच का सही होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम जीवन में सब कुछ नहीं पा सकते। दुनिया में जो कुछ है उसमें से सब कुछ हमारा नहीं है। दुनिया ने हमें जितना दिया है इतना काफ़ी होना चाहिए। हमारा यह सोचना है कि सब हमारा है, यह गलत है। हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं वह कभी भी दुखी नहीं होते और अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं। नंबर चार, किसी चीज़ की जिद ना करें। जीवन में हम जो भी चाहते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वह सब हमारा नहीं हो सकता। आप जितना जल्दी इस बात को अपना लेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। यह बात तो सब जानते हैं कि जब हमें मनचाही चीज़ नहीं मिलती तो दिल दुखता है, लेकिन जो इस बात को समझ गया कि सब कुछ हमें नहीं मिल सकता, हर चीज़ के अपने उसूल होते हैं, तो हमें जो नहीं मिला उसकी फिक्र किए बिना आगे बढ़ने में मदद मिलती है और आप अपने जीवन में हंसी खुशी के साथ रहेंगे। नंबर पाँच, खुद की अच्छाइयों को पहचानें। जीवन में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप भी परफेक्ट नहीं हो। आप में भी बहुत सी कमियाँ हैं, लेकिन यह भी सच है कि आप में बहुत सी अच्छाइयाँ भी होंगी। आपको अपनी उन्हीं अच्छाइयों के बल पर बेहतर ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा अपनी कमियों को याद करके दुखी रहते हैं और हमेशा नकारात्मक से घिरे रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है और सकारात्मक के साथ जीना है। नंबर छः, हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराहट सारे गम भुला देती है। इमोशनल भावनाओं के साथ ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। अच्छा जीवन जीने के लिए आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, फिर भले ही आपकी लाइफ में कितने भी दुख क्यों ना हो। नंबर सेवन, दिल की बात सुने। हमेशा दिमाग की ना सुन के कभी कभी दिल की बात सुने। भले ही दिल के लिए गए निर्णय गलत हो, लेकिन हमें उनका अफसोस नहीं होता, क्योंकि हमने जो कुछ किया दिल से किया था। अफसोस तब करना चाहिए जब आपने किसी के कहने या थोपे गए निर्णय के लिए हो। इसलिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें निर्णय खुद से और दिल से लेना चाहिए। नंबर आठ, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मन को खुश रखने, सोचने की शक्ति देने का सबसे अहम रोल होता है आपकी सेहत का स्वस्थ होना। आप खुश रहने के सारे उपाय कर लेंगे, लेकिन आप खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगे, खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपको अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। आपको इनकी समझ होनी चाहिए। आपका स्वस्थ रहना ही जीवन में खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें, तो आपको खुद की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर नौ, अपने आप से प्यार करें। जिन्हें खुद से प्यार होता है वह लोग अपने को कभी दुखी नहीं करते। वो हर हाल में खुद को
अच्छा और खुशियों से भरा रखते हैं। ऐसे लोगों को किसी की फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने आप में ही बहुत खुश रहते हैं, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वह किसी की चिंता नहीं करता, लेकिन बस उन्हें अपने आप को खुश रखने के लिए किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती। नंबर 10, वक्त के साथ सब सही होगा। जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कितनी भी समस्याएं हों, आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए कि वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। यह सोच रखने वाले लोग जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, भले ही बड़ी तकलीफ ही क्यों ना हो। वे दुख के दिनों को भी वैसे ही जीते हैं जिस प्रकार वे सुख के दिनों को जीते हैं। नंबर 11, मोटिवेशनल कहानी पढ़ें। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूँ या जीवन में कभी भी परेशानी आए, तो आप मोटिवेशनल कहानी ज़रूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिए, काफ़ी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले हमें मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 12, दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपकी भी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता होगा, जैसे अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नरक बन गया है, तुम भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उससे दूरी बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। नंबर 13, विश्वास। जी हाँ, फरेब की इस दुनिया में विश्वास के साथ चलें। आपका विश्वास आपको दिशा देगा। विश्वास करें और विश्वास जीते, यही खुश रहने का मूल मंत्र है। आत्मविश्वास से इसकी शुरुआत होती है। नंबर 14, ध्यान बांटें। जो बात आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, उससे अपना ध्यान हटाकर उन बातों की तरफ कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। नंबर 15, अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्त हमेशा आपको खुशी देते हैं, आपके सुख दुख में आपका साथ देते हैं। आप उनसे हर अच्छी बुरी बात शेयर कर सकते हैं, इसलिए अच्छे दोस्त बनाइए जो आपके साथ हमेशा खड़े रहें और आपको खुशी दें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स लेकर मैं आप लोगों के बीच